सर देखिए बिजनेस तो सर कोई बच्चों का खेल है नहीं, सब कोई अपना बिजनेस करता है, सब अपने रोजी रोटी के लिए मरता है सर। मैं बोलता हूँ सर कि मैं डीलर रेट में आपको मशीन दे रहा हूँ, तो सर पैसा लगाने से बिजनेस नहीं होता है। तो हम उनको एक सपोर्ट कर सकते हैं, एक हाथ पकड़ सकते हैं, चलना उनका काम। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में टोटल 37 स्टेट है, 37 स्टेट में 36 स्टेट आपका दिया गया है, एक हम लोगों ने नहीं दिया दमन एंड दीव। वो दमन एंड दीव इसलिए नहीं है ना सर कि उसमें सर्चिंग बहुत कम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट महेंद्र सिंह। तो दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया ऐसा लेके आया हूं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे ये वाला बिजनेस ना चलता रहो। एक बात बोलना चाहूंगा, जहां धन है वहां सागर है, जहां पे धन सागर हो गया वहां पे कंपनी है धन सागर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जी, जो कंपनी है इसको अब से नहीं जानता, काफी सालों से जानता हूँ। अब आप सोच रहे हो सर आपका चैनल नया लेकिन काफी सालों से कैसे जानता हूँ, ये कुछ सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों जिस कंपनी में मैं आज आया हुआ हूँ, यह कंपनी एक मशीन नहीं बनाती, जी हाँ काफी सारी मशीनें बनाती है, लेकिन बात आती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। यानी कि यहाँ पे जो मशीनें बनती है कम से कम प्राइस में और बड़े से बड़े प्राइस में, यानी कि आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया यूनिक इसलिए होने वाला है कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे मुंह आपको बताऊंगा तो आपके मुंह में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। दिखाना चाहता हूं दोस्तों आजकल देखा होगा बच्चे बूढ़े और जवान हर आदमी इस चीज को खाता है, और आपको बताऊंगा मैं बाद में, पहले आप बताने के क्या चीज दिखाने वाला हूं। जी हाँ, ये देखिए इसको बोलते हैं मोमोज। तो आपको बताएंगे कि इसके अंदर मोमोज कैसे तैयार होता है, इस बिजनेस को कौन कर सकता है, कहां पे कर सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट में ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और काफी छोटी सी जगह पे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो कई सीजन बाय सीजन बिजनेस होते हैं, लेकिन ये वाला बिजनेस एक ऐसा है कि आदमी चाहे कहीं भी कंजूसी करता है लेकिन आपने खाने पीने में कभी भी कंजूसी नहीं करता, वो हमेशा चाहता है कुछ अच्छा खाया जाए, क्योंकि अच्छा खाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारा ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो सॉरी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों एक काम जरूर आप करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, वीडियो को शेयर करो ना करो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आइए वीडियो को स्टार्ट। हेलो सर जी, नमस्कार। और सर कैसे हैं? और ठीक है सर, आपका दुआ है सर। तो सर मेरे को तो आपके बारे में पता है, आपकी कंपनी का नाम बताया, ऑलरेडी इतने साल से जानता हूं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा अपना नाम और कंपनी का नाम बता दीजिए। सर मैं सागर, धन सागर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, ये आपकी दिल्ली में, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में तीनों जगह सर एस्टेब्लिश है। आप कहीं भी आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, 10 से 6 का टाइमिंग है, आप जहां भी चाहो वहां आ सकते हो। अगर फैक्ट्री आनी है तो ग्रेटर नोएडा आनी होगी, और अगर आपको कॉलिंग डिपार्टमेंट देखनी है तो आपको नोएडा और मायापुरी जानी होगी। तो सर सबसे जो पहला मैं क्वेश्चन करूंगा, एक यही करूंगा कि देखिए मशीनें काफी लोग बनाते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता, रॉ मटेरियल होता तो सर्विस नहीं दे पाती कंपनी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर आज जो हमने मशीन दिखानी है हमें, वो हमारी रॉ मटेरियल जो उनके घर पे ही होती है, ओके ठीक, वो मैदे की होती है, फिर आपका वेजिटेबल होता है वो होता है। तो हम लोग आज मोमोज की मशीन देने वाले हैं, जी, जी जी, जिस मोमोज को खाने के लिए हर बंदा लाइन लगाता है, हर स्टेट में डिमांड होती है, वो मोमोज की मशीन आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सर ऐसे तो काफी सारी कंपनियां जो मोमोज की मशीनें बेच रही है, लेकिन कोई आपसे ही मशीन क्यों खरीदेगा? सर मोमोज की मशीन हर जगह की मिलती है सर, देखिए इंडियन मशीन आती है, चाइनीज मशीन आती है, जी, जी, जी। हमसे मोमोज की मशीन लेने का अंतर है ना सर कि मैं आपको मार्केटिंग देता हूँ, जैसे आप नूडल्स की मशीन ले रहे हैं, नूडल्स की पैकिंग करेंगे आप, उस पैकिंग करने के बाद उसे सेल कहाँ करना है इससे होगी। मोमोज की जो मशीन है ये मशीन आपके लोकल में ज्यादा है, तो उससे क्या है सर कि हम आपको सर्विस भी देंगे, प्लस आप जहां पे वो मोमोज मशीन लगा रहे हैं वहां से आपकी किसी भी स्टेट, जैसे आप अगर मान के चले बिहार में लगा रहे हैं तो बिहार के आपको डीलरशिप दूंगा जी। प्लस पॉइंट डीलरशिप देने के बाद उनको मैं आगे, मतलब मोमोज को करते करते मैं आगे और मशीन की जानकारी दूंगा जी, कि आप इस मशीन में भी आओ, आप इस मशीन में आओ, तो आप खुद अपना रोजगार अपने घर पे बैठकर करो, उसके लिए कंपनी आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगी। हमारी जो टीम है एक स्टेट के लिए 2 बंदे होंगे, जो 2 बंदे आपको पूरी सपोर्ट करेगी मार्केट से लेकर सेल्स तक में। तो सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ कि देखिए मशीन भी आपसे ले ली, प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया,
पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसको सेल करने के लिए, उसके सर देखिए ये सेल करने का जो मोमोज है सर, मैं तो उसे आपको नहीं बोलूंगा कि आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर लो, क्योंकि तब तक वो टिकने वाली नहीं है, क्योंकि वो फूड आइटम है। ये आप लोकल में ही जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आप सप्लाई कर सकते हैं, बाहर आप इसे नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि जैसे मोमोज की मशीन आपने लगाया मेरे पास उसी स्टेट से, स्टेट तो कोई छोटी होती नहीं है सर, स्टेट आपके 1000 किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर के लिए होती है, तो उस 2000 किलोमीटर के रेंज में उस स्टेट का डीलरशिप मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट डीलरशिप, सिर्फ मोमोज मशीन के लिए। अगर मोमोज, अगर पूरी मशीन की आपकी लेनी है तो हमारे कंपनी के साथ आपको एग्रीमेंट करनी होगी, बजाबते मैं आपको एग्रीमेंट करूंगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा, आपको सारी मशीन की पीडीएफ दूंगा, जानकारी दूंगा, और हमारे नाम को प्रमोशन करने के लिए आपके घर में एक बंदे को मैं रोजगार भी दूंगा, जो हमारे वहां पे मशीन सेल करके आपके घर का बंदा टारगेट पूरी करेगा तो उसे 10,000 से लेकर 20,000 की सैलरी मैं दूंगा उनको उस स्टेट से। तो सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ कि उसके लिए जो जैसे कि मशीन है तो उसके लिए कितना बड़ा सेटअप चाहिए, यानी कि स्पेस कितना चाहिए और पावर सप्लाई कितनी चाहिए? सर देखिए मोमोज मशीन के लिए आपको ज्यादा तो पावर की जरूरत होती नहीं है। जी जी जी। जैसे घर में आपको 240 वोल्ट आता है आप उसमें ही काम कर सकते हो। जी जी। 10x10 के रूम में भी अगर आप हो ना तो आप इस मोमोज मशीन का काम कर सकते हो, जिसमें आपकी छोटी में मोमोज आ गए, पेपर प्लेट आ गए, नूडल्स की हो गई, कपूर की हो गई, फिर आपकी रुई बत्ती की हो गई, फिर आपकी वो मोमबत्ती की हो गई, ये सब छोटी मशीन आप घर में 10x10 के रूम में ही कर सकते हो। तो ये वाली सारी मशीन के आपके पास? सारी मशीन सर, आप मोमोज की ले लो, कुरकुरे की ले लो, पास्ता की ले लो, फिर आपका स्क्रबर की ले लो, पेपर प्लेट की ले लो, पेपर कप की ले लो, यहाँ तक कि आप बायो की ले लो, नन मोमेल ले लो, फिर आपका स्लीपर की ले लो, ये सारी मशीन आपको मैं अवेलेबल करके दूंगा और उस स्टेट का एक उम्मीदवार को तैयार करूंगा जो हमारी इंक्वायरी पे वो वहां से बात करके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना वो सेल कर ले। तो सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूं, कई बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो कहने का मतलब कि गरीब आदमी इस बिजनेस को करना चाहता है क्योंकि अमीर तो हमेशा ऑलरेडी अमीर होता जा रहा है, गरीब तो अमीर नहीं हो रहा ना, तो कहने का मतलब कुछ गरीबों लोगों के लिए आपने कुछ ऐसा सोचा कि उनको मतलब कम इन्वेस्टमेंट मशीन दे दिया जाए और उसके बाद में जब कर ले तो उसके बाद में बड़ी मशीन खरीदे, तो कितने मेरे कहने का मतलब कितनी कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस? देखो मिनिमम तो उनको सर 50,000 की बजट होनी चाहिए। जी जी। क्योंकि अगर मशीन मैंने दे दिया, अगर रॉ मटेरियल नहीं लिए तो बिजनेस क्या करेंगे? जी जी। तो 50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी मशीन से आप काम कर लो। बहुत सारे मार्केट में बंदे बोलते हैं कि रॉ मटेरियल के साथ मशीन फ्री, रॉ मटेरियल का ही रेट उतना होता है जिससे मशीन की उसकी कीमत निकल जाती है, तो फ्री करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी के लिए सर रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट के लिए आप 50,000 का मिनिमम कोई भी बिजनेस करने जाओगे ना सर 50,000 की इन्वेस्टमेंट आती ही आती है। अब उसके ऊपर आप देखना होगा कि वो बंदा किस लायक है। अगर बंदा अगर सच्चा में 5 लाख लगाने के लिए, तो उस 5 लाख में मैं उसको मशीन भी दूंगा, प्लस वहां का फ्रेंचाइजी दूंगा, प्लस उनके घर में एक रोजगार का अवसर प्रदान करूंगा, जो बंदे 10,000 से 15,000 रुपए सैलरी मेरी कंपनी देगी, कंपनी पेरोल पे मैं उस बंदे को वहां पे जॉब दूंगा, बट ये है कि वो बंदा को जॉब पे टारगेट होगी कंपनी की, उस टारगेट को फुलफिल करनी है, तो कंपनी उसको 10,000 से 15,000 की सैलरी देगी, प्लस मशीन देगी, मशीन की जो प्रॉफिट होगी वो रखेंगे वो, प्लस उनका प्रोडक्ट जो होगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी दूंगा ऑल ओवर इंडिया। मैं आपको अभी इंक्वायरी दिखाऊंगा कि हमारे पास पूरी स्टेट की इंक्वायरी कैसे आती है। जी जी जी। एक बल्क में वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो हर स्टेट के बंदे को मैं तैयार करूंगा, उस बंदे को मैं सैलरी भी दूंगा, उस बंदे को मैं ये भी बोलूंगा कि आप वहां पे बैठकर आप अपना रोजगार और मशीन का बिजनेस खुद करें, किसी और को नहीं, मैं खुद उनको दूंगा। तो इस मशीन से प्रोडक्शन कितना होता है, मतलब कितना रॉ मटेरियल इसमें लगाएंगे तो हमें कितना इसके अंदर? सर देखो मोमोज मशीन का सर साइज के ऊपर डिपेंड है, जी जी जी। जितनी बड़ी साइज बनाओगे उतनी ज्यादा होगा। जी जी जी। इसमें जितने भी होते हैं वो मैदे और पानी के खेल है, जी जी। तो मैदा तो आपको लोकल में मिलता है, जी जी। पानी सबके घर में है, जी जी। बाकी रहा आपका वेजिटेबल का होता है, नॉन वेज वेज सब होता है, तो आप वो भी कर सकते हो, प्लस आप इसमें समोसा का भी काम कर सकते हो। okay. समोसा का काम कर सकते हो, जो एक कचौड़ी आती है छोटी छोटी, वो मैदे का वो भी बना सकते हो। डाई चेंज करनी है? जी डाई चेंज करनी है, यानी कि मतलब एक ही मशीन से काफी सारे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, डाई चेंज करनी है, आपको सारी मशीनें नहीं खरीदनी है। ठीक है, तो सर एक चीज और भी बताइए, अगर इस मशीन को कोई बाय करना चाहते हैं तो क्या आपके पास आना जरूरी है या ऑनलाइन? देखो आने पे क्या होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होता है। आज के डेट में बहुत सारे दूरते हैं सर, मैं खुद नहीं बोलूंगा कि मैं, आप आइए कंपनी में, अगर स्टॉक जमा है तो हम सेम डे में लेके जाइए, वरना आप आइए समझिए
सब चीज जानिए कि क्या होती है क्या नहीं। बहुत सारे कंपनी कंपटीटर बनकर वो किसी को उल्टा सुल्टा बोलते कि वो कंपनी ये है वो कंपनी वो है। तो सर देखो, मैं किसी के बारे में तो बोलना नहीं चाहता। जी, जी, जी। जो कंपनी किसी की बुराई करता है ना, पहले वो अपने गिरेबान पे झांक के देख ले कि वो बंदा क्या है। जी, जी, जी। उस कंपनी का क्या है क्या नहीं है वो देख ले पहले। अब ये नहीं कि हर कंपनी गलत होती है, हर कंपनी में 100 बंदे में एक बंदे सही भी होते हैं। जी, जी, जी। तो जिसकी जो बुराई करता है ना सर, वो इससे मतलब समझ कि उससे वो जलता है, ईर्ष्या करता है, तभी वो मेरी बुराई करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी कंपनी की तभी बुराई होती है। आज हमारे गवर्नमेंट को भी सब बोलता है कि ये गवर्नमेंट खराब है, बट इलेक्शन में तो वही जीतते हैं। जिनकी ज्यादा बदनामी है वही नाम कमाते हैं। तो इसी के लिए सर हमें किसी कंपनी के बारे में बोलना, तो मुझे किसी कंपनी को नहीं बोलना। सारे कंपनी ये सर ये मशीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मैं इतने में दे दूंगा, इतने में दे दूंगा। मैं बोलता हूँ सर कि मैं डीलर रेट में आपको मशीन दे रहा हूँ, आप डीलर रेट में लो। मैं कस्टमर नहीं बनाऊंगा, मैं डीलर बनाऊंगा। डीलर ही मेरे कस्टमर है और कस्टमर ही मेरे डीलर है, तो मैं दोनों को बराबर मानता हूँ। मैंने आज तक अभी ट्रेडिंग नहीं किया, मुझे किसी को जाके आगे बेचनी नहीं है। मैं देता हूँ कस्टमर को। अब जैसे कोई बंदा है सर, वो मशीन मंगाया, उसके बहुत सारी कंपनी खुली हुई है आज के डेट में। पूरी मुझे लगता है दिल्ली में सर कम से कम 80 से 90 कंपनियां होंगी एक जगह पे। आप कहीं भी चलाओ, दिल्ली में चले जाओ, ग्रेटर नोएडा आ जाओ, नोएडा में आ जाओ, 80 से 90 कंपनी है सर। तो क्या साड़ी बनाती है? नहीं, नहीं। कोई बंदा खास बनाता है, वो बंदा उससे लेकर डीलिंग करता है। जी, जी, तो जैसे मैंने आपको 50,000 में दिया, तो बंदा आप 10,000 प्रॉफिट रखेगा ही रखेगा। जी, जी, जी। तो कभी भी लो तो सर मैन्युफैक्चरर से लो, डीलर से लो, तो लोगे तो देख दाख के लो। जी, मैं जी। ये नहीं बोलता कि कौन क्या है कौन नहीं है। सब कोई अपना बिजनेस करता है, सब अपनी रोजी रोटी के लिए मरता है सर। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई गलत है। सर बहुत अच्छी बात है। तो व्यूअर्स में आपको कहना चाहूंगा कि आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, सबसे बड़ी जो गलती करते हो यहाँ पे करते हो, क्या गलती करते हो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप विजिट नहीं करते, पहले यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए, एक दिन नहीं दो दिन नहीं यहाँ पे रहिए, और आपको कंपनी का पूरा प्रोफाइल चेक कीजिए और पूरा मशीन को चला के देखिए, एक बार नहीं 10 बार चला के देखिए। जब तक आपको पूरा समझ में ना आए तब तक मशीन बाय मत करना, क्योंकि आप खुद चला के देखोगे तभी तो आपको विश्वास होगा। सुना तो होगा कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब आप पहले खुद उस मशीन को चलाइए, ट्रेनिंग लीजिए, जब आपको पूरा समझ में आए तो पेमेंट करके आप मशीन खुद साथ में ले जा सकते हो, या तो ट्रांसपोर्ट से आपकी मशीन जा सकती है। तो सर जो हमारे जो नए व्यूअर्स जो बिजनेस को करना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? सर देखिए, बिजनेस तो सर कोई बच्चों का खेल है नहीं। जी जी जी। बिजनेस करने के लिए आपको सारी चीज पे ध्यान देनी होगी। मेरे पास पैसे हैं, मैंने पैसा लगा दिया, तो सर पैसा लगाने से बिजनेस नहीं होता है। अगर कोई बंदा नए हैं या पुराने हैं, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम उनको एक सपोर्ट कर सकते हैं, एक हाथ पकड़ सकते हैं, चलना उनका काम है। मेहनत करेंगे जितनी उतनी उनको आमदनी मिलेगी। मेहनत ही नहीं करेंगे सर तो मशीन लगा के तो पैसा आएगा नहीं। सर बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर घर पे बैठे ही और सोच रहे हो मैं ये करूं मैं ये करूं, दोस्तों समय एक ऐसी चीज है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन समय जो चला गया तो वापस आने वाला नहीं है। हम घर बैठे बैठे खाली बातें करते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप मैं क्यों बार बार प्रेशर दे रहा हूं, आप आइए यहाँ पे विजिट कीजिए। यही नहीं कहा खाली सोचते रहो, सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि मेहनत से पैसा आता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग गलत बोलते हैं। कहीं कहीं बात कही हुई बात में सब लोग यही बोलते हैं, मेहनत से अगर पैसा आता तो सबसे ज्यादा पैसा मजदूर के पास में होता और किसान के पास में होता। मेहनत करनी कहाँ पे, ये दिमाग हमें लगाना है। सर सही बोला कि नहीं जी? क्योंकि हमें दिमाग लगाना है। एक आदमी खाली ऑफिस में बैठा लाखों करोड़ों कमाता है, और एक बंदा सारा दिन रिक्शा चलाता है, वो शाम को खाली क्या कहता है, उसको 200 रुपए लेके जाता है घर। तो फिर तो उनको ये नहीं पता होता कि मेरे को मेहनत करनी कहाँ पे। देखिए, अगर जिस चीज में आप जा रहे हो उसमें तो सर आपको मेहनत करनी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बोले हो कि मैं यहाँ भी जाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, तो वो कभी नहीं बन पाता है। अगर मेहनत मजदूरी करता है जो वो बंदा एक जगह पे करता है, मजदूरी करके वो 200 रुपया में उसकी 200 रुपया ही आमदनी है, तो उसमें वो खुश है, और उस 200 रुपया में सर 100 रुपया वो बचाता भी है। लेकिन हम लोग का क्या है सर, हम लोग जैसे भी है, आज ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे। अरे भाई कुछ करके तो देख, उस पर मेहनत कर, अगर उसमें सक्सेस मिलती है तब आगे स्टेप लिया कर। अगर आप सोचोगे कि एक ही बार मैं 4 काम कर लूंगा तो वो सक्सेस कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं लास्ट आपको बताऊं कि जितने भी हमारे कंपटीटर होते हैं, जितने भी कंपनी वाले होते हैं सर, वो सबसे पहले आपको गूगल के रिस्पॉन्स को खराब करेंगे। सबसे पहले उस गूगल के रिस्पॉन्स से खराब करने पे मत जाइए, क्योंकि वो सर कंपटीटर है, उनका आजादी है। जी, जी, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी आजादी है, वो कुछ भी डाल दे। लेकिन आप उन देखी हुई और डाली हुई चीजों पे विश्वास मत करना, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दूसरों की नहीं। नहीं, नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर वो गलत है तो आप डायरेक्ट आइए,
आकर देखिए, समझिए, पसंद आए मोस्ट वेलकम, ना पसंद आए तब भी आप मेरे मेहमान हो, मेहमान की तरह ही विदा करूंगा। लेकिन जो और कंपनी में देखिए कि बोलते हैं कि रिव्यू है, गुड है, गुड है, गुड है, सर उसमें से ये भी हो सकता है कि वो बंदा फेक हो, वो बंदा किसी और से गुड गुड डलवा रहा हो, आपको धूर्त बना रहा है, आपको, आप तो उस पे बहकावे पे जा रहे हो। जी, जी, जब आप उसको पैसा देते हो, सब कुछ करते हो, तो पता चलता है कि सर ये कंपनी गुड गुड आ रही थी और बाद में वेरी बैड हो गई। जी, जी, तो वेबसाइट चेंज करने में टाइम ही लगता। जी, जी, लेकिन मैं क्या हूं सर कि मैं अपनी वेबसाइट स्टार्टिंग से लेके अभी तक ना कोई चेंज किया और ना मुझे कुछ करने की जरूरत है। अगर मैं किसी को पसंद हूं तो वो मेरे कंपनी आए, मेरे कंपनी में देखे, समझे और सब कुछ करके लेके जाए। तो सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ कि जैसे कोई मशीन तो खरीदना चाहता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम लोन से मशीन ले लें, तो क्या उनके लिए कुछ ऐसा भी सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं आप? सर देखो, कम से कम देखो सर, कोई भी कंपनी अगर बैंक से भी आप लोन लेने जाते हो ना, तो 40% सब्सिडी लेता है वो बंदा, मार्जिन मनी। बंदे का कितने पैसे लगे? 60%। तो मैं उसी को घुमा के करता हूँ, 75% पेमेंट दो, 25% पेमेंट आपको लोन पे मैं दूंगा, बट डिपेंड ऑन मशीन कि मशीन क्या है। अगर छोटी मशीन है 75% पेमेंट दीजिए, 25% मैं आपको लोन पे दे दूंगा। हाँ, बट उसके साथ भी एग्रीमेंट, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मशीन चली जाती है, बंदा रिस्पांस देना बंद कर देता है, तो वो काम नहीं सर। 75% पेमेंट दीजिए, 25% आफ्टर ईएमआई आप देते रहो, 2-3 महीने की ईएमआई बनाऊंगा, जैसे मशीन वैसी ईएमआई, लेकिन 25% नॉट आपका 100%। तो सर एक क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से तो उनको जानकारी मिल भी रही है, तो क्या आपको कोई वेबसाइट या YouTube पे चैनल भी, तो उसका नाम सर YouTube पे चैनल है हमारा धन सागर मशीनरी के नाम पे, हमारा वेबसाइट है dhansagarmachinery.com, www.dhansagarmachinery.com। इंस्टाग्राम पे आप देखिए, डेली के मेरे पास लाख बंदे मेरे मार्केट प्लेस में आते हैं, और लाख में से आपको अभी इंक्वायरी दिखाऊंगा कि मैं कैसे देता हूँ, तो एक मिनट का आपका टाइम लूंगा, अपने व्यूअर भी देखेंगे कि हाँ मैं कैसे काम करता हूँ, तो आप 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं दिखाता हूँ आपको कि पूरी इंडिया मैं कैसे कवर करके चलता हूँ। तो सर देखिए, हमारे पास जो लीड आते हैं कैसे आते हैं, हमारी जो मशीनें हैं ना वो देखिए आपको दिखाता हूँ, पेपर प्लेट, बायो, कॉटन विक, पानी पूरी, पेपर कप, साउथ इंडियन। अब ऐसे ही मैं जैसे मैं एक को खोलता हूं, जैसे मैंने खोला बायो का, देखिए आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में टोटल 37 स्टेट है, 37 स्टेट में 36 स्टेट आपका दिया गया है, एक हम लोगों ने नहीं दिया दमन एंड दीव। वो दमन एंड दीव इसलिए नहीं है ना सर कि उसमें सर्चिंग बहुत कम है, तो हमें पता नहीं होती, ठीक है। अब देखिए यहां पे अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ये मत सोचिए कि मैं आपको बस ये कहीं से दिखा रहा हूं, ये देखिए आज की, यहां देखिए 1 मई से 6 मई तक, आप देखो 399 इंक्वायरी है सिर्फ हमारे पास बायो का, एक सप्ताह के अंदर की, सारी स्टेट मिलाकर, लक्षद्वीप, दादर नगर, चंडीगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पूरी इंडिया। ये आप समझिए कि इतनी जगह में हमने चलाया है। अब जो हमारे बंदे होंगे, जो हमारे बंदे ये लगाएंगे, उस बंदे को मैं जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट की इंक्वायरी उनको दे दूंगा, मशीन का भी, प्रोडक्ट का भी और सब कुछ का, और वो अपना यहाँ से मशीन भी सेल करे, प्रोडक्ट भी सेल करे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए हमारे थ्रू। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो हम अपने व्यूअर्स के सामने क्षमा चाहते हैं, और आप आइए, मिलिए, समझिए, काम कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं आपको काम नहीं सिखाऊंगा, मैं सच्चा बंदा हूं, आपको भी काम सिखाऊंगा, आप अपने घर पे बैठ के काम करो। धन्यवाद।